तो देखिए गाइज, हमारा उतर रहा है अभी। इसमें आग कम हो गया है, अभी उसमें हम आग डालेंगे, आग लगाएंगे अच्छे से, तब जाके अच्छे से गिरेगा हमारा वाइन। देखिए देखिए गाइज, हमारा बॉटल भर चुका है। अब इसको हम निकाल के देखेंगे, अभी हमें पता कैसे चलेगा कि अभी और आएगा कि नहीं आएगा। तो पता हमें ऐसे चलेगा कि हम थोड़ा सा इसमें से निकाल के आग में फेंकेंगे, अगर जलेगा तो समझिए कि अभी है। प्लेट में डाल दिए, फिर इसके बाद हम फेंकते हैं, देखते हैं बरेगा कि नहीं। अभी देखिए बर रहा है, अभी है, अभी और इसमें से उतरेगा हमारा वाइन। तो देखिए गाइज, ये हमारा दारू बहुत ही अच्छा बना है, एकदम प्योर जल रहा है। देखिए एकदम मस्त बना है, एकदम जल रहा है। तो हेलो गाइज, आज है होली। तो होली के लिए हमने सोचा कि खुद का अपना देसी वाइन बनाए, देसी महुआ का दारू। तो वहीं देखिए हम बनाने जा रहे हैं महुआ का दारू, जो कि देखिए हमने महुआ को इस बाल्टी में भिगोया था। कम से कम एक हफ्ता तक इसको भिगोया जाता है। तो हम इसको हम डालेंगे इस टीने में, इसी में से बनाया जाएगा इसको आग पर रख के। देखिए ये महुआ है, इसको हम भिगोए थे, सड़ाए थे, अब इसमें हम जा रहे हैं टीने में डालने। देखिए इसको हम टीने में डाल दिए और उसके बाद इसका पानी डालने जा रहे हैं। बताइए इसको हाथ से थोड़ा मल देते हैं कि अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। इसको मैश कर दे रहे हैं। लोकल वाइन बनाने जा रहे हैं आज हम, तो आपको लोकल वाइन बनाने का तरीका हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे बनता है बताएंगे। तो इसको देखिए हम आग पर रख दिए हैं, अब इसमें बताते हैं आपको कैसे निकलेगा। तो गाइस देखिए, हमने आग पर चूल्हे पे आग में जला के, आग में चूल्हे में आग जला कर टीना इसमें रख दिया है, उसमें हमने महुआ डाला है और उसके बाद ऊपर हमने डक्ची में पानी रखा है, ताकि जो भाप बने इसी पानी की वजह से बन के भाप बयान बन जाए। और उसके बाद इसमें देखिए ये पाइप लगाया गया है, इसमें से इसी में से हमारा लोकल वाइन देसी दारू निकलेगा। तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे निकलता है, बूंद बूंद करके निकलता है। अब इसमें पानी डाल दिया गया, इसको लॉक कर दिया जाएगा ताकि वाष्प ना निकले। वहीं वाष्प ऊपर बन के एक अंदर सुपेली लगाया गया है, उसी पर से अंदर से निकलेगा इसमें से बाहर। तो देखिए गाइज, हमारा जो महुआ है लोकल वाइन, वो निकल बनना शुरू हो गया है। तो देखिए उस इस पाइप में से होते हुए इस बोतल में आके गिर रहा है। देखिए ऐसे ही बनता है लोकल वाइन। देखिए ये जब पूरे बोतल में इकट्ठा हो जाएगा, भर जाएगा, तो इसको पलट दिया जाएगा। और एक किलो महुआ में सिर्फ एक बोतल तैयार होता है प्योर अच्छा, और ज़्यादा उतार देंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो हम आपको दिखाते हैं कि कितना तगड़ा आया है। अगर ये बरेगा तो ये मन जानिए कि अच्छा बना है, ठीक है। तो हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए गाइज, ये हमारा दारू बहुत ही अच्छा बना है, एकदम प्योर जल रहा है। देखिए एकदम मस्त बना है, एकदम जल रहा है, एक नंबर का प्योर है घर का। ये घर का जो होता है ये नुकसान भी नहीं करता। अगर मार्केट का रहेगा या फिर कहीं और का गांव का रहेगा तो वो जहरीली नशीली दवाएं मिला के देते हैं, तो वो पीने से इंसान की मौत भी हो सकती है और ख़राब भी करता है। लेकिन देखिए जो हमने बनाया है ये एक नंबर का है, ये नुकसान नहीं करेगा। तो आपको बोतल भर जाता है तो दिखाते हैं कितने समय में भर जाता है। तो देखिए हमारा जो बोतल है अभी यहाँ तक भरा हुआ है, अभी धीरे धीरे पूरा भर जाएगा तब इसको हम हटाएंगे। अभी देखिए यहाँ तक भरा हुआ है, अभी गिर रहा है ये पानी, अरे इसमें से अल्कोहल निकल रहा है। अभी इतना हुआ है, अभी थोड़ी देर बाद भर जाएगा तो हम पलट के दिखाएंगे आपको। तो देखिए गाइज, हमारा उतर रहा है, अभी इसमें आग कम हो गया है, अभी उसमें हम आग डालेंगे, आग लगाएंगे अच्छे से, तब जाके अच्छे से गिरेगा हमारा वाइन। इसमें हम आग लगा दें अंदर, आग जलेगा तभी हमारा माल तैयार होगा निकलेगा, नहीं तो ये जो गिर रहा है नहीं गिरेगा। आग बराबर लगना चाहिए इसमें। तो देखिए गिर रहा है हमारा वाइन, महुआ का देसी दारू।
उस बार दिखाए थे तो देखिए इतना पर था, लेकिन अब इतना भर चुका है, आधा से ज़्यादा भर चुका है। यहाँ तक भर जाएगा तो इसको हम निकाल के पलट देंगे, दूसरे बर्तन में फिर इसको लगाएंगे। देखिए गाइस, जैसे बताए हैं ऐसे ही बनता है लोकल वाइन। हमारा ये पानी हीट हो गया है, इसको हम पानी चेंज करेंगे। हाँ, बताओ थे, ये पानी जो है जब ये हीट हो जाता है तो इसको बदल देना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ये हमारा गर्म पानी हो गया, इसको हम निकाल के इसमें ठंडा पानी डालेंगे ताकि हमारा जो वाइन है वो ख़राब ना हो, नहीं अगर गर्म पानी रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। इसको जल्दी जल्दी हम निकाल लेते हैं। अब देखिए गाइस, इसमें हम ठंडा पानी डालेंगे ताकि हमारा जो वाइन है अच्छे से आए। इसमें हम ठंडा पानी डालेंगे तभी हमारा बनेगा, नहीं तो जल के ख़राब हो जाएगा। देखिए पानी डाल दिए, अब ये जो गर्म पानी है इसको हम ले जाके बाहर गिरा दे रहे हैं। हमारा देखिए अब कम हो गया, इसमें हम आग और लगा दें। तो देखिए हमारा इतना भर चुका है, अभी गिर रहा है, देखिए पाइप में से गिर रहा है लगातार वाष्प बन के। अब इतना भर गया है, इतना थोड़ा बचा है और भर जाएगा तो इसको हम पलटेंगे। देखिए गाइस, हमारा बॉटल भर चुका है, अब इसको हम निकाल के देखेंगे। अभी हमें पता कैसे चलेगा कि अभी और आएगा कि नहीं आएगा, तो पता हमें ऐसे चलेगा कि हम थोड़ा सा इसमें से निकाल के आग में फेंकेंगे, अगर जलेगा तो समझिए कि अभी है, तब और उतारेंगे, अगर नहीं बरेगा तो इसको हटा के पलट देंगे। दूसरा शिफ्ट प्लेट में डाल दिए, फिर इसके बाद हम फेंकते हैं, देखते हैं बरेगा कि नहीं। अभी देखिए बर रहा है, अभी है, अभी और इसमें से उतरेगा हमारा वाइन। तो गाइज हमारा देखिए भर चुका है, इस बोतल को हम खाली करके पलट के फिर दूसरी बार लगाएंगे। तो गाइज देखिए हम इसको पलट दे रहे हैं इस गमले में ताकि ठंडा हो जाए। तो कथुम पलटाई तो फिर कथुम में उतर बा, खराब हो जी पेट्रोल उड़ा लो, उड़ा लाई ई तब कह थे।